तो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, जिस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे कार्टून के बारे में जो टोटल कॉपीड है, और सिर्फ डोरेमोन से ही नहीं और भी कुछ कार्टून से थोड़ा थोड़ा करके मसाला लिया गया है। और गाइस इस लेजेंडरी कार्टून का नाम है। तो और ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके ओरिजिन के बारे में। तो गैजेट गुरु गणेशा का ओरिजिन कुछ ऐसा है, नहीं है इसका ओरिजिन। देखो गाइस मैंने इसका ओरिजिन बहुत ढूंढा, पूरा इंटरनेट का संसार छान मारा पर मिला ही नहीं। और बहुत ढूंढने के बाद मेरे को ऐसा आइडिया आया कि चलो इसका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है देखता हूँ। गैजेट गुरु गणेशा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेम, तो Zee5 है इसका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। और मेरे को गैजेट गुरु गणेशा का फर्स्ट एपिसोड मिला भी, बट वहाँ पर भी ओरिजिन नहीं मिला। वो जो फर्स्ट एपिसोड था कहीं से भी वो एक फर्स्ट एपिसोड नहीं था, वो एक मिड एपिसोड जैसा टेक प्लेस कर रहा था। तभी मैं सोचूं क्यों पूरा इंटरनेट छान मारने के बाद भी नहीं मिला, क्योंकि क्रिएटरों को ओरिजिन बच्चों को दिखाना ही नहीं। उनका ये मानना हो सकता है कि बच्चे तो वैसे भी गधे होते हैं, लॉजिक दिखा के क्या होगा। तो अभी बहुत बात कर लिया इसके ओरिजिन के बारे में, और अभी बात किया जाए कुछ कॉपीड कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये वाले सीन में जो आप लोग देख रहे हो, यह गैजेट गुरु गणेशा को उसके दोस्तों ने एक खिलौने की तरफ अपने गोद में बिठा के रखा है, क्योंकि गैजेट गुरु गणेशा की आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रुको, ये कॉन्सेप्ट तो डोरेमोन से कॉपीड नहीं है, डोरेमोन का केस तो पूरा उल्टा है। जहाँ गैजेट गुरु गणेशा की आइडेंटिटी सिर्फ उसके दोस्तों को पता है, वहाँ डोरेमोन की आइडेंटिटी तो सबको पता है, लगभग सबको ही पता है। वो जो नोबिता नाम का भोंदू बच्चा है उसके साथ एक नीला बोलने वाला राकून घूमता है। अरे सॉरी बुरा मत मानो डोरेमोन, आगे मैं तुम्हारा तारीफ भी करने वाला हूँ तो थोड़ा सब्र रखो। वैसे एक कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे कार्टून्स में यूज किया जाता है, जहाँ हीरो की आइडेंटिटी सिर्फ उसके दोस्तों को पता होता है। और अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को छोड़ भी दूँ तो जो खिलौने के नाम पे स्कूल ले जाने वाला कॉन्सेप्ट है, ये बहुत हद तक किमोनाचे नाम के कार्टून से कॉपीड है। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि गैजेट गुरु गणेशा को खिलौने के नाम पे स्कूल ले जाया जाता, और दूसरी तरफ किमोनाचे को स्कूल बैग बना के स्कूल ले जाया जाता है। ये जो कार्टून है गैजेट गुरु गणेशा, ये कार्टून 90% कॉपीड है डोरेमोन से, और बाकी जो 10% है वो कुछ दूसरे कार्टून से थोड़ा थोड़ा करके मसाला लिया गया है। और अभी बात किया जाए एनिमेशन के बारे में, तो गैजेट गुरु गणेशा के एनिमेशन पूरा बकवास है। डोरेमोन का 10 साल पुराना एनिमेशन भी इससे बहुत अच्छा है। और अभी इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये गैजेट गुरु गणेशा का एनिमेशन है। ये तो टट्टी है लग रहा है ना, ऐसा पिक्चर मैं भी बना लूंगा काइन मास्टर से। और अभी बात किया जाए लास्ट, जिस कार्टून से गैजेट गुरु गणेशा 90% कॉपीड है, नाम लेने की जरूरत है नहीं। तो अभी हम गैजेट गुरु गणेशा का कंपैरिजन करेंगे डोरेमोन से, बहुत मजा आने वाला है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर दो, मैं इस बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो मैं 3 कॉपीड चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा कॉपीड चीज़ है, 90% बोला है तो समझ लो कितने सारे कॉपीड चीज़ है। और अगर सारे कॉपीड चीज़ के बारे में बात करने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी और बोरिंग हो जाएगी, तो एकदम मेन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले गैजेट गुरु गणेशा की जो 10 रुपये की सस्ती पोटली है, जिस पोटली से गैजेट गुरु गणेशा निकलता है अमेजिंग गैजेट। और डोरेमोन कहाँ से निकलता है गैजेट? अपने घर से। कौन है वे? तो डोरेमोन गैजेट निकलता है अपने 4th डायमेंशन पॉकेट से, जिसका एक लॉजिक भी है। उस पॉकेट में एक मिनी डायमेंशन भी है। डायमेंशन समझते हो ना, और नहीं समझते हो तो पोगो देखो। जिस पॉकेट के अंदर हाथ देके डोरेमोन निकलता है गैजेट, ना कि 10 रुपये के पोटली से कुछ भी निकालो। अभी आप इस वीडियो को देखो। चलो अभी 3 सेकंड देता हूँ, गेस्ट करो डोरेमोन का कौन सा गैजेट है। कर लिया, ए है एनीवेयर डोर। वाह क्या कॉपीड मारा है। अभी एक और वीडियो देखो। आकार परिवर्तन यंत्र। ए कौन सा गैजेट है? नहीं इस बार गेस करने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि आपको पता ही होगा ये कौन सा गैजेट है, तो इसलिए डायरेक्ट देखो। बिग लाइट स्मॉल लाइट। बिग लाइट स्मॉल लाइट का काम एक ही गैजेट में है। दूसरी बात की गैजेट गुरु गणेशा अपने गैजेट्स को गैजेट बोल के इंट्रोड्यूस भी नहीं करता, यंत्र बोल के इंट्रोड्यूस करता है। नाम में ही गैजेट है और यंत्र बोल के अपने गैजेट इंट्रोड्यूस करता है, तो इस कार्टून का नाम यंत्र गुरु गणेशा रखना चाहिए था। यंत्र।
अभी कुछ लोग बोलेंगे कि तुझे इस कार्टून के बारे में इतना कुछ कैसे पता। इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। पहली बात, ये कार्टून किस चैनल पे आता है? डिज्नी हंगामा दोनों पे आता है। पर मैं तो हंगामा पे एक लेजेंड को देखने जाता हूँ, पर उस लेजेंड की जगह मेरे को देखने को मिलता है डोरेमोन की सस्ती कॉपी गैजेट गुरु गणेशा। पहली बार देखने के बाद मैंने बोला ये तो टोटल डोरेमोन से कॉपीड है। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस कार्टून को रोस्ट करूं, और फिर क्या कर दिया जो अभी आप लोग देख रहे हैं। रुको, अभी भी ये वीडियो खत्म नहीं हुई, तो मैं अभी आपको एक हिंट देता हूँ जो दूसरे कार्टून का रोस्ट करूंगा। बच्चा नहीं बोलना। बच्चे को बच्चा नहीं बोलो तो क्या बोलो? भड़बा, भड़बा नाम है मेरा, समझे?